आज की जो हमारी बैठक है, इस बैठक के अंदर जो हमने क्या हुआ तेरा वादा, जो हमने एक महीने का लोगों को कार दिया था डोर टू डोर, जैसे कि मैंने कहा था कि संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था कि 2.5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को घर देंगे, किसानों को MSP दर पर अनाज देंगे, और नर्सिंग घोटाला, जो जो लड़के पीड़ित थे हमने उनका डेटा भी निकाला है कि कौन कौन घर परिवार पीड़ित रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेके सभी जगह से, हर जिले से, कहीं से 25,000 पोस्ट कार्ड, कहीं से 10,000 पोस्ट कार्ड, कहीं से 45,000 पोस्ट कार्ड भी हमारे जिलाओं ने हमें दिए हैं। इन सभी का बक्सा बनाकर 30 तारीख को हम लोग CM हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। इसको लेके आज की बैठक में चर्चा है। हम एक युवा क्रांति, जो इसको एक हमने एक नाम दिया है कि युवाओं की क्रांति और युवाओं का आगाज, हम 30 अगस्त को भोपाल के अंदर CM हाउस का घेराव करके वो पोस्ट कार्ड देके उनसे पूछना चाहते हैं कि जब इस बार बजट का जो सत्र हुआ था, कहाँ है नौकरियां? आपने 18,000 तो घोषित कर दी थी, पर वो 18,000 को आपने कैटेगराइज किया क्या? कहाँ है वो 18,000? ये तो छोड़ दीजिए, मुख्य बात ये है कि कहाँ है वो 1.5 करोड़ जो घर महिलाओं के आप बना के देने वाले थे। तो वो सभी पोस्ट कार्डों को लेके हम CM हाउस की तरफ आगाज करेंगे। रोकने वाले हमें रोक सकते हैं तो रोके। तो एक आंदोलन, नर्सिंग घोटाला जो इसमें हमारा प्राइम रहेगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है जिन पे होनी चाहिए थी, और उसको लेके हम लोग इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और सभी को जिले में ये कह भी दिया है कि कितने कितने लोग, कितनी कितनी तादाद में आने वाले हैं, वो सभी हमें सूची बना के देंगे। और हमारा प्रयास है कि जो युवाओं की लड़ाई है, जैसे कि मैं हर जगह कह रहा हूँ कि भाजपा सपने दिखाती है, सपनों का सौदागर करती है, पर सपनों को पूर्ण करने का काम भाजपा कभी नहीं करती, क्योंकि वो साधन नहीं देती, वो सिर्फ सपनों का झूठ बोलते हैं। आज युवाओं को साधन की आवश्यकता है सपनों को पूर्ण करने के लिए। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप साधन प्रदान नहीं करोगे युवाओं के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, जहां पर आपने कर्जदार हमें बना दिया है, तो याद रखिएगा, भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और वो वोट और नोट की राजनीति में लिप्त हो चुकी है। इनको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है कि सही में इस प्रदेश को अभी विकास की जरूरत है, साधन की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है। और अगर भाजपा इस पे, मैं कहूँगा, अगर चिंतन मंथन नहीं करेगी मोहन सरकार, तो याद रखिएगा, ये 30 का तो हम एक डेमो देने वाले हैं, पर आने वाले समय में कई पदयात्रा मैं करने वाला हूँ इस प्रदेश के अंदर, अपने लीडर राहुल गांधी जी की विचारधारणा से, कि जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे, उस पदयात्रा का भी आगाज मैं 2 तारीख 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में करूंगा, क्योंकि अब रोड पे उतर के यूथ कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने वाली है और गांव-गांव जाके लोगों को जगाने वाली है कि अगर आपने अपना हक नहीं मांगा तो ये भाजपा आपको आपका अधिकार कभी नहीं देगी, क्योंकि ये सिर्फ आपको फ्री में 1200 रुपये डलवा सकते हैं, और वो 1200 रुपये जो मनरेगा के आते हैं, आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, आप भी जानते हैं कि सरपंचों की कमाई में से वो 1200 रुपये आप दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर 30 को एक विशाल घेराव हम लोग करने जा रहे हैं, और CM हाउस का घेराव करना है हमें, और उसके लिए हमारी तैयारी आज की बैठक में उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं और करके उसको एक नया आगाम और एक नया आगाज देंगे। धन्यवाद।